नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गहलोत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, जो कि हमारा है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कि कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इसमें से किसी एक फंक्शन को वी मानेंगे और दूसरे को यू मानेंगे। तो वी किसको मानेंगे दोस्तों? उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफ्रेंसिएशन जीरो पॉसिबल हो। तो यहाँ देखिए, वी मैंने किसको माना? एक्स स्क्वायर को माना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आगे चलने पे जीरो हो गया, जैसे कि आप देख सकते होंगे अगला स्टेप में। और यू, क्योंकि ऑब्वियसली जो बच गया हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, उसको यू मानेंगे। तो यू को देखिए यहाँ पे मैंने माना है। अब उसके क्या करेंगे दोस्तों? इसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले जो nth ऑर्डर हम लोग निकालते थे जब लेबनीज थ्योरम यूज नहीं करते थे, तब क्या करते थे हम लोग दोस्तों? nth ऑर्डर निकालने के लिए जब भी कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर इस फॉर्म में होता था, उसको ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट करते जिसमें स्क्वायर वगैरह यह सब का साइन नहीं रहता था। तो देखिए, कॉस स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 cos 2x/2। तो इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर वगैरह का कोई साइन नहीं है। आप सिंपली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, क्योंकि 1 cos 2x/2 ये है, तो क्या है, 2 1 के नीचे भी डिवाइड में और cos 2x के नीचे भी डिवाइड में। तो जैसे कि मैंने इसको अलग अलग सेपरेट किया है, ये 1/2 वैसे वैसे बीच में प्लस का साइन cos 2x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 1/2 × cos 2 cos 2x लिख सकते हैं इसे, क्योंकि cos 2x मल्टीप्लाई में इसको हटाएगा तो डिनोमिनेटर में 1 बचेगा या मल्टीप्लीकेशन में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? डायरेक्टली nth ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। फिर ये +1/2 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है तो इसे बाहर आ जाएगा। जैसे कि cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है, उसी तरह cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -sin 2x, और मल्टीप्लीकेशन में 2 है तो ये बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, जैसे कि मैं इससे पहले भी आपको, इससे पहले की जो एक्सरसाइजेस थे उसमें क्या करते थे हम लोग कि जैसे कि माइनस बताते थे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 90 ऐड करते थे एंगल में। तो देखिए, cos 90 + θ -sin θ होता है, तो थीटा के यहाँ पर 2x है, इसलिए cos 90 + 2x होगा × 2 वैसे का वैसे ही, क्योंकि पॉजिटिव बन चुका है। इसके लिए फिर इसके बाद क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे कि देख रहे होंगे ये फॉर्म आएगा, जब cos x का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -sin आएगा ये, फिर -sin 90 + 2x हो जाएगा। फिर यह देखिए, हमारे एंगल का डिफरेंशिएट करते हैं तो एंगल हमारा क्या है? 90 है, तो ये कॉन्स्टेंट ये जीरो हो जाएगा। +2x मतलब 2 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा, मतलब कि 2 2 हो जाएगा, मतलब कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 ये वाला था और इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर 1 2 और आया, मतलब सेम रेशियो में पावर ऐड होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उस तरह इसको थोड़ा नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाएगा तो यहाँ पर ऐड कीजिएगा 90। तो एंगल अब हमारा ये टोटल है, तो टोटल में एंगल ऐड कीजिएगा 90, तो ये बनेगा। उसके बाद इसी तरह आप u3 u5 u4 इस तरह करके आप आगे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी तक सेकंड टर्म तक मिल गया हूँ। उसके बाद फिर क्या करेंगे? nth ऑर्डर इसका निकालेंगे। nth टर्म लिखने के बाद nth वर्ड डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ 1/2 cos चेंज क्या हो रहा है दोस्तों? हर बार 90 इंक्रीज करते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n π/2 हो जाएगा +2x, और यहाँ पर 2 का पावर भी मतलब कि इंक्रीज कर रहा है, जितनी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उतनी बार पावर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए n बार करेंगे डिफ्रेंशिएट तो n हो जाएगा पावर। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर यहाँ पे 1 छुपा रहता है, जैसे कि हम सभी को पता भी है। तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में जब आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 पावर n है, यहाँ पर भी 2 पावर -1 है, तो सेम वे सोने में पावर ऐड होता है, तो यहाँ पावर ऐड होगा तो क्या होगा? n में -1 ऐड कीजिएगा तो n - 1 इसको लिख सकते हैं आप। अब क्या करेंगे, जैसे कि nth ऑर्डर इसका हम लोग निकाल चुके हैं, तो nth ऑर्डर निकाल लिया, उसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों? अब क्या करेंगे, इसका n - 1 वाला ऑर्डर निकालेंगे। तो n - 1 जाए तो जहाँ जहाँ n था, यहाँ पे n था तो n - 1 पुट कीजिए, यहाँ भी था तो n - 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पर ये फॉर्म बनेगा, क्योंकि -1 - 1 + -2 हो जाएगा तो n - 2 होगा। फिर यहाँ पे तो -n - 1 ही होगा, बाकी सारा टर्म सेम टू सेम है। उस तरह फिर n - 2 वाला टर्म निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ n था मतलब इस फॉर्म में, वहाँ वहाँ n - 2 पुट करना तो ये फॉर्म बनेगा। उसी तरह n - 3 निकालेगा, तो जहाँ जहाँ मतलब n था वहाँ वहाँ n - 3 पुट कीजिएगा तो ये फॉर्म बनेगा, जैसे कि आप देख सकते होंगे। उसके बाद क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम, तो लेबनीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? ये जो फॉर्मूला हम लोग, क्योंकि हम लोग 3 बार गए हैं, मतलब डिफरेंशिएशन हम लोग को देखिए 3 बार करने पर 0 आया, इसलिए 3 टर्म तक जाएंगे। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, जो कि है yn=nc0(un·un·v+nc1·un−1·v1+nc2·un−2·v2+nc3·un·n−3·v3। अब क्या करेंगे दोस्तों? जैसे जैसे कि हम लोग का फॉर्मूला के अनुसार सारे वैल्यू को फाइंड किया, सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद देखिए इसका nth ऑर्डर निकल जाएगा। तो अगला स्टेप देखिए, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे कि yn=nc0 वैसे का वैसे रखा, फिर un का जो फॉर्म जो हम लोग nth ऑर्डर निकाले थे u का, वो हमने पुट किया। उसके बाद v वैसे v का हमारे किसको माना था? एक्स स्क्वायर का माना था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया प्लस, उसके बाद nc1 ये वैसे का वैसे ही। इसी तरह फिर un - 1 वाला टर्म को मैंने लिखा यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या दोस्तों? उसके बाद v1 था, तो v1 की एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x था, तो यहाँ पर 2x लिख दिया। उस तरह nc2 लिखा, उसके बाद फिर ये
-2 वाला टर्म था, उसके बाद फिर देखिए फिर 2x को v2 कीजिएगा तो अब x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा तो 2 वाला पार्ट यहाँ पर है, फिर NC3 फिर ये वाला फिर N-3 वाला पार्ट लिखा, और यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन इसका 0 हो गया तो यहाँ पर 0 लिख दिया, मतलब ये पूरा टर्म तो 0 बन जाएगा, इसलिए इसको आगे अगले वाला स्टेप में लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखिए यहाँ पर NC0 का वैल्यू 1 होता तो यहाँ पर 1 किया, बाकी सारा टर्म सेम टू सेम है, प्लस NC1 इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा N/1 होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 11 में भी इसको कैसे ब्रेक करते हैं। उसके बाद फिर ये वाला वैसे का वैसे, फिर यहाँ पर देखिए क्योंकि क्या उसके बाद क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पर NC2 बच गया तो इसको ब्रेक कीजिएगा तो N(N-1)/2(1) होगा, उसके बाद सारा टर्म सेम टू सेम, तीसरा पार्ट जो हमारा 0 बन चुका है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पर कि 2 डिवाइड में था और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में भी था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नीचे 1 बनेगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो मतलब यही टर्म मिलेगा N(N-1)। उस तरह यहाँ भी 1 को 1 एन से एन को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो सिर्फ एन ही होगा। तो अगला स्टेप देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम वैसे का वैसे ही टर्म बन जाएगा, बाकी सारा टर्म सेम टू सेम है, देख सकते होगा इस एक्स स्क्वायर सिर्फ मैंने पहले लिख दिया, फिर इक्वल बीच में प्लस का साइन है, उसके बाद सारा टर्म सेम टू सेम क्योंकि मैंने आपको पहले अभी बताया कि एन को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो एन ही रहेगा, बाकी सारा टर्म देख सकते होंगे आप। और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, सिर्फ एन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे N(N-1), तो यहाँ पर क्या होगा 1 से डिवाइड किया तो N(N-1) होगा, और उसके बाद फिर ये वाला जो फॉर्म मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो चुका है तो N(N-1) बाकी 2^(N-3) ये वाला पार्ट वैसे का वैसे रहेगा। उसके बाद देखिए अगला स्टेप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 2^(N-3) कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड टर्म जो है 2^(N-3) सबसे छोटा टर्म यही है, 2^(N-3) है, तो इसलिए इसमें से ये 2^(N-3) कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मतलब सेम बेस होने पर पावर, यहाँ पे देखिए मैं अभी बताता हूँ कि क्यों मैंने ऐसे लिखा। देखिए सर मतलब तीनों स्टेप, मतलब ये जो पहला पार्ट है उसके बाद फिर ये वाला दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर उसके बाद माफ कीजिएगा यहाँ तक है, उसके बाद फिर तीसरा पार्ट यहाँ से लेकर के कहाँ तक है यहाँ तक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2^(N-3) निकाला तो यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि 2^(N-1) है यहाँ पे, तो इसको आप हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पावर टर्म में, 2^(2)^2 मतलब 2^2 × x^2 वैसे का वैसे बाकी सारा टर्म सेम टू सेम, तो 2^2 वैसे क्यों दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सेम बेस होने पर पावर ऐड होते हैं, तो देखिए अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, सेम बेस हो जाएगा तो पावर ऐड होगा, मतलब N-3 में +2 कीजिएगा तो -3 में +2 आप घटाइएगा तो -1 होगा, तो N-1 फिर से आ जाएगा जो कि ये टर्म रहा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। उसी तरह बीच में प्लस का साइन यहाँ से निकालेगा कॉमन तो क्या होगा, तो एन तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 2^ क्या निकाल रहे हैं हम लोग, 2^(N-3) निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिखा, सिर्फ यहाँ पर मैंने 2 लिखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 छुपा हुआ है। अब देखिए सेम बेस में पावर ऐड होता है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेस सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो पावर ऐड कीजिएगा मतलब N-3 में -+1 है आप कीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, -3 + 1 तो -2 होगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा N-2। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एन वैसे का वैसा है और यहाँ जो 2x बच गया तो इसको मैंने पहले लिख दिया, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जो आप देख रहे हैं वह सेम टू सेम, इसमें नो चेंज है। और तीसरा पार्ट में तो दोस्तों हमारा 2^(N-3) था ही, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली निकाल लिया। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसी को क्यों निकाला है, इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए 2^(N-1) ये नेगेटिव में है लेकिन -1 है, फिर यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर -3 है, मतलब सबसे छोटा इसमें कौन है, -3 वाला पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉस में यही -3, हम सभी को पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे मतलब कि नेगेटिव में होता है, तो इसलिए जो सबसे छोटा था उसी को निकालें, क्योंकि बड़े में से ही मतलब छोटा निकालिएगा तब जो बचेगा पार्ट। तो उसके बाद फिर देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट बच गया वैसे का वैसे आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंदर में, तो इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा क्या होगा दोस्तों, इस y(n)(2^(N-3) ये वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पर 2^2 कीजिएगा मतलब 4 हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा (cos(2x+n)/2) हो जाएगा, ये तो हमारा पहला टर्म था, प्लस यहाँ पर देखिए 2^2 × 4nx हो जाएगा, फिर उसके बाद (cos(2x+n-1)/(π/2) ये हमारा बचेगा दूसरा पार्ट, फिर ये हमारा दूसरा टर्म मतलब कि प्लस, उसके बाद तीसरा टर्म जो बनेगा ये वाला हमारा क्या होगा N(N-1) ये वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं एन का मल्टी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं एन को मतलब कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो N²-n हो जाएगा, तो वही बात है कि या फिर इसको ऐसे भी रख नहीं सकते क्योंकि आंसर में हम लोग को यही फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए इसको वैसे का वैसे छोड़ देगा (cos(2x+n-2)/(π/2). तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन दोस्तों। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मैथ्स के सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।